हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस, माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, कल इवनिंग के वीडियोस को ट्रू ट्विन फ्लेम्स ने देखा, सराहा और डिवाइन फैमिली ने उनको बहुत सारी बधाइयाँ दी, उनको मोटिवेट किया। किसी को मोटिवेट करना भी एक सोल पर्पस होता है, क्योंकि वी आर ऑल वॉरियर्स और आप उनको मोटिवेट करके अपनी अपने लाइक है ना, जो आपके मेंटोर्स हैं उनका और उनके स्पिरिट को हाई करो, जिससे कि वो और ज़्यादा बेस्ट टू बेस्ट आपके सामने लेके आ पाए। तो आज कुछ और खास वो आपके सामने लेके आ रही हैं, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बट मैं दो बात आज बताना चाहती हूँ उनके वीडियो के पहले। जैसे कि कल का जो उनका लास्ट वीडियो था, उसमें उन्होंने कहा था कि जैसे कि शी एक्सप्लेन अबाउट डिवाइन, हम सबके डिवाइन होते हैं और उनके ऊपर मास्टर डिवाइन और उनके ऊपर सुपर डिवाइन होते हैं एंड देन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। ठीक है, तो कुछ आप रेजोनेट करते होंगे मेरे डाउनलोड से, जब मैंने कहा था कि शिव, महाशिव, परम शिव और सुप्रीम अथॉरिटी। अब जो उनकी जो बात है वो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं उसमें अपने भी एक्सपीरियंस, जो मुझे गाइडेंस मिली थी, उसको भी मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ। कि जैसे कि डिवाइन फेमिनिन ने कहा था कि मुझे जो गाइडेंस आई कि जिसमें कि मैं सुप्रीम इंटेलिजेंस से तक कैसे अप्रोच करूँ, तो मुझे ये गाइडेंस मिली कि मुझे अपने ही डिवाइन से कनेक्ट होना है और अपनी सारी जर्नी को पूरा करना है। थोड़ा सा मेरा जो एक्सपीरियंस था उसमें चेंजेस थे, जो कि मैंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप लोगों को बताया था पहले कि मेरा, मैं पावर लेती हूँ सीधे ऑल माइटी अथॉरिटी। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, सुप्रीम लाइट, सुप्रीम डिवाइन लाइट, क्योंकि मुझे गाइडेंस यही मिली थी। बिल्कुल मेरा जो गाइडेंस था इनका बिल्कुल सिमिलर था, बिल्कुल डिवाइन उनके ऊपर, मास्टर डिवाइन, देन सुपर डिवाइन एंड देन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो हायरार्की है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जो गाइडेंस मिली थी कि मुझे पावर सीधे इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से ही लेना है, मुझे पावर सीधे ऑलमाइटी अथॉरिटी से लेना है, मुझे पावर सीधे सुप्रीम डिवाइन लाइट से लेना है, तो मैंने आपको वो गाइड किया है। तो दोनों ही रास्ते बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आप अपने यूनिवर्स से भी कनेक्ट हो सकते हो, अपने डिवाइन से भी कनेक्ट हो सकते हो, आप सुप्रीम अथॉरिटी से भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो गाइडेंस है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक बात यही बोली थी कि हमारा इनकार्नेशन जहाँ से होता है, हमको हमारा ही ग्रैंडफादर अप्रोच करता है। ठीक है, तो वी आर ऑल वेरी हाई क्वालिटी सोल, यहाँ पर क्वालिटी की कोई बात नहीं है। यस, जो हाई क्वालिटी सोल्स होती हैं वही ज़्यादातर स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में या ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए चुनी जाती हैं, चोजन वन होती हैं, बिकॉज दे आर वॉरियर्स एंड दे आर चोजन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। डेफिनेटली आप हाई क्वालिटी की सोल हैं आप सभी, बट हमारा इनकार्नेशन कहाँ से हुआ है ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, सो दैट इज़ अ थिंग। और दूसरी चीज़, कम्युनिटी में इस वक्त मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक एम्पैथ एंड नार्सिसिस्ट, जिस पर मैंने चर्चा ऑलरेडी कर चुकी थी अपने पर्सन के साथ, पर मुझे ईमेल पे बहुत सारे सेम से क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम क्या हम नार्सिसिस्टिक ट्विन फ्लेम से यूनियन पा सकते हैं। ज़्यादातर जो भी क्वेश्चंस के आपके हैं, जिसका जिस्ट निकल के यही आता है कि क्या हम लोग नार्सिसिस्टिक ट्विन फ्लेम से यूनियन पा सकते हैं। तो देखिए, ये जो आपने वर्ड ज्वाइन किया है नार्सिसिस्टिक ट्विन फ्लेम, कभी एक साथ जुड़ ही नहीं सकता, बहुत डिफरेंस है। नार्सिसिस्टिक ट्विन फ्लेम हो ही नहीं सकता और ट्विन फ्लेम नार्सिसिस्टिक हो ही नहीं सकता। ट्विन फ्लेम में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हो सकते हैं, पर ट्विन फ्लेम हमेशा डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, दे आर मास्टर सोल्स, और जैसे कि मैंने अभी बताया है, दे आर द चोजन वन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस एंड फर्स्ट पर्पस इज टू स्प्रेड द लव वाइब्रेशन। ठीक है, तो नार्सिसिस्टिक ट्विन फ्लेम जैसा कुछ नहीं होता है। ट्विन फ्लेम होता है, नार्सिसिस्ट अलग होता है, और वो
एक साथ इसलिए नहीं हो सकते, मतलब हम लोग इस टर्म को ज्वाइन इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज नार्सिस्ट कभी वापस नहीं आएगा, राइट right? कभी नहीं आएगा, नार्सिस्ट कैन नेवर चेंज। ट्विन फ्लेम वापस आते हैं, ठीक है। नार्सिस्ट जैसे मैंने कहा कि दे कैन नेवर चेंज, नार्सिस्ट चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, जब तक कि या तो उनकी अच्छी खासा उनको सोर शॉक मिले और उनका गंदा वाला ईगो मेल्ट हो, या उनका इनर चाइल्ड हील किया जाए, या नेक्स्ट बर्थ में सारे, आई मीन आप अगर इस जर्नी पे हो, अगर आप ट्विन फ्लेम हो, तो यू मेक श्योर कि आप किसी नार्सिस्ट, अगर कोई आपकी लाइफ में था या है, तो वो कार्मिक रहेगा जो ट्विन फ्लेम के आने के बाद बिल्कुल आपकी लाइफ से चला जाएगा, बिल्कुल गॉन। जैसे आपका कार्मा बैगेज क्लियर, वो एक दिन भी आपकी लाइफ में रहने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन यस, ये सच है कि नार्सिस्ट को अपनी लाइफ से और ट्रैप से निकलना, क्योंकि हम लोग एडिक्शन एडिक्टेड हो जाते हैं, तो उस एडिक्शन से निकलना मुश्किल। एंड समटाइम्स यस, नार्सिस्टिक इतने ज़्यादा नार्सिस्टिक होते हैं कि यस, इतने ज़्यादा मतलब मैनिपुलेटिव होते हैं वो, इतना आपको ट्रैप में रखते हैं, आपके माइंड को इस कदर लाइक सबकॉन्शियस माइंड पे बिल्कुल हाईजैक कर देते हैं एलियंस की तरफ। तो कभी कभी हमको गंदा वाला सोर शॉक उनसे मिल सकता है, बट द राइट पर्सन विल कम इन योर लाइफ, ठीक है। क्योंकि अगर समझ लीजिए कि नार्सिसिस्टिक ट्विन फ्लेम, अगर हम इस चीज़ को एक सेकंड के लिए मान लें सही है, तो फिर तो यूनियन बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, मतलब हम सब लोग यूनियन में आ ही नहीं सकते। तो जो लोग अब तक हमारे चैनल पे यूनियन में आ चुके हैं, दे आर हैप्पीली टॉकिंग टू देयर पर्सन एंड दे आर हैप्पी इन देयर रिलेशंस, तो क्या वो सब गलत है? एंड दे आर स्प्रेडिंग द वाइब्रेशन। मुझे जहाँ तक पता है 75% इन माई चैनल, जो अब तक काउंसलिंग से मुझे पता चल रहा है कि दे आर इन द टॉकिंग टर्म्स राइट नाउ। अभी 10 मिनट पहले मेरा एक सेशन हुआ जिसमें कि दे आर इन द वेरी हैप्पी टॉकिंग टर्म्स। ऑलमोस्ट एवरी डे जितनी भी काउंसलिंग अब तक आई है, बस थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस के लिए आती है मेरे पास वेयर आई एम स्टक, लेकिन लिटिल बट दे आर इन अ वेरी टॉकिंग टर्म्स रिलेशन, बहुत हैप्पी वो लकी उनका रिलेशन है, एंड दे आर स्प्रेडिंग द वाइब्रेशंस ऑफ लव। एंड आगे का गाइडेंस पूछते हैं कि मैम अब आगे क्या करना है हमको। डेफिनेटली ये चीज़ गलत है कि नार्सिस्टिक ट्विन फ्लेम जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल नहीं करती है। नार्सिस्टिक और ट्विन फ्लेम वर्ड साथ में आ ही नहीं सकता। ट्विन फ्लेम्स अगर है तो वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, उसमें वो ट्रेड हो सकते हैं और ट्रेड बिल्कुल हील होते हैं, और वो हील होके वापस आपके पास रीयूनाइट आप होते हो, और डेफिनेटली आपको यूनियन में आना है, मदर अर्थ की वाइब्रेशन को चेंज करना है, जो पर्पस है उस पर्पस को पूरा करना है। मैं बात को आज बहुत लंबा नहीं करूँगी, इस पर हम फिर कभी और बात करेंगे। फिलहाल डिवाइन फेमिनिन हमको क्या बताना चाहती है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको आखिर तक सुनिए और उनको मोटिवेट करिए, और हमारे चैनल को और आगे और ग्रो होने के लिए आप अपनी आप सबकी ब्लेसिंग्स दीजिए, ठीक है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। So in this video I'll give you some explanation about भगवान कौन है या ईश्वर कौन है, ठीक है। So first thing that I want to tell you before starting this concept is everything in the universe is made up of energy, everything is vibrations, the basis of everything is vibrations, okay? Even अगर आप आपका कोई भी living non-living substance लें तो they are made of atoms, molecules, जो हमने school में पढ़ा है, ठीक है। Atoms are now then divided into protons, electrons and न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अभी साइंस इज लाइक फर्दर डिवाइडेड इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रिंग्स, ओके, दैट इज स्ट्रिंग थ्योरी, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स विच आर नथिंग बट दी वाइब्रेटिंग एनर्जीज, राइट, वाइब्रेशंस। सो द फंडामेंटल बेस ऑफ एनी थिंग इन द यूनिवर्स इज वाइब्रेशंस, हर चीज़ का बेस वाइब्रेशन होता है, ओके। द प्लैनेट इज मेड अप ऑफ, प्लैनेट हैज़ अ वाइब्रेशन, अवर बॉडी हैज़ अ वाइब्रेशन, ईच सेल हैज़ वाइब्रेशन। सो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये एक एटम बनाते हैं, ठीक है। मल्टीपल एटम्स एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एंड देन मल्टीपल मॉलिक्यूल्स एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। सो द बेस ऑफ एवरी सॉलिड ऑब्जेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड वाइब्रेशंस, कम्युनिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसीज, नॉलेज, एवरीथिंग इज वाइब्रेशंस, ओके। यूनिवर्स में सारी चीज़ें हैज़ अ यूनिक एंड स्पेसिफिक वाइब्रेशन, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू कि ऑल द नॉलेज इन द यूनिवर्स, सारा नॉलेज ऑफ एनी पर्सन, सोल इन दिस प्लैनेट, अदर प्लैनेट्स आर ऑल स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस विच इज कॉल्ड
आकाशिक पोर्टल, ठीक है। आकाशिक पोर्टल इज नथिंग बस यूनिवर्सल डेटाबेस, ठीक है। आपका सारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस थॉट इज स्टोर्ड इन आकाशिक पोर्टल एट अ पर्सनल लेवल, एट ऑल द लेवल्स, जब पूरे यूनिवर्स में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं सारी चीज़ें स्टोर्ड इन दी आकाशिक पोर्टल, ठीक है। जिससे ये आपने नाम सुना होगा आकाशिक पोर्टल का, इन द कोई बुक्स के फॉर्म में नहीं बट इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स और वाइब्रेशन पैकेट्स। ईच इंफॉर्मेशन इज असाइंड अ डिफरेंट वाइब्रेशन और अ फ्रीक्वेंसी, ओके। सो अगर जितनी भी बुक्स इनफैक्ट अर्थ पे लिखी गई हैं या कहीं भी लिखा गया है, सारा इन्फॉर्मेशन इज आउट देयर इन द यूनिवर्स इन योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, ओके। सो बिकॉज किसी ने सोचा उस बुक के बारे में, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन स्पिरिचुअल बुक्स, सिंस इट वॉज इन हिज थॉट्स इट हैज़ टू बी आउट देयर इन द यूनिवर्स इन द आकाशिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब यूनिवर्स में बहुत सारा स्पिरिचुअल नॉलेज है जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, ठीक है। सो सपोज एंड दोज इन्फॉर्मेशन इज इन दी फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस। अब ये एक इन्फॉर्मेशन का पैकेट है जिसको हम एनर्जी पैकेट या कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, और इसको मैं बोलती हूँ कि ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसको मैं नाम दे देती हूँ कृष्ण कॉन्शियसनेस। नाउ फॉर एन अ बींग ऑफ हायर डिमेंशन, ओके, या जिसका क्राउन चक्र ओपन है या हु मेडिटेट्स अ लॉट, ही कैन टैप इन टू दीज वाइब्रेशंस, ओके। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ वन कॉन्शियसनेस, ऐसे मल्टीपल एनर्जी पैकेट्स हैं या कॉन्शियसनेस का इन्फॉर्मेशन है विच इज़ देयर इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। ही कैन टैप इन टू दिस वाइब्रेशंस एंड गेट दी इन्फॉर्मेशन डाउनलोडेड ऑन हिम, ओके। सो वॉट इज डाउनलोड बेसिकली, हाउ डज अ डाउनलोड वर्क? आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि डाउनलोड आता है, टू गेट अ डाउनलोड दिस इज योर बॉडी एंड दीज आर योर चक्रास, सो यू नीड टू ओपन योर क्राउन चक्रा, ओके। योर चक्रास एक्ट एज ट्रांसमिटर्स एंड रिसीवर्स, ऑल ऑफ द चक्रास, ओके। सो इफ यू ओपन योर क्राउन चक्रा यू कैन कनेक्ट इट टू आकाशिक पोर्टल और मे बी टू सोर्स डिवाइन, एंड देन If some information is to be sent to you, it is downloaded to you in form of small energy packets or energy bundles, in form of small vibrations, encoded vibrations. उसको हम download बोलते हैं. This is what is called download, and you receive it through your crown. अगर ज़्यादा information आ रहा है, sometimes you feel lot of pressures जो आपके अंदर आने लगा है. It could be healing information, any type of information जो बाद में जब ये download या energy packets process होते हैं आपके mind में, तो आपको अचानक वो knowing होता है, वो टॉपिक पे नोइंग होता है, ठीक है। दिस इज हाउ यू रिसीव डाउनलोड। समटाइम्स इट इज ऑटोमेटिकली सेंड बाय द डिवाइन और एनी गैलेक्टिक बीइंग, समटाइम्स यू कैन टैप इनटू योर ओन आकाशिक पोर्टल जिसमें आपके प्रीवियस लाइफ टाइम्स की स्पिरिचुअल नॉलेज स्टोर्ड है, एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग डाउनलोडेड ऑन टू योर क्राउन, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हाउ द कंसेप्ट ऑफ डाउनलोड वर्क्स, ओके। So coming back to the topic, there is lot of consciousness available in the universe, but we earth beings are not very trained at getting this consciousness, okay. And some of this consciousness was very important for us to know so that वो हमारा way of life बने। तो फिर क्या हुआ कि बहुत ही divine आत्मा सोर्स से डिसेंड हुई, ओके, अपने लोक में, अपने प्लैनेट में, और फिर वो अर्थ पे आई ये पूरा ज्ञान एक पर्सन के रूप में समझाने। तो फॉर एग्जांपल टेक द एग्जांपल ऑफ कृष्णा, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, आप कोई रिलीजन से एसोसिएट मत करिए। वो इस धरती पे आए थे, उनका एक पर्पस था टू ब्रिंग दिस ज्ञान, जो ये नॉलेज है उसे हम अर्थ बींग्स को समझाने। ही हैड कम विथ मल्टीपल पर्पजेज, बट वन ऑफ द पर्पज वॉज टू ब्रिंग दिस कॉन्शियसनेस, दिस नॉलेज ऑफ दिस नॉलेज टू प्लैनेट अर्थ, हमें समझाने के लिए थ्रू हिज लाइफ इवेंट्स, थ्रू हिज नॉलेज, ओके। और विथ ओवर एंड द पर्पज वॉज कि हम ये नॉलेज समझें, ये ज्ञान समझें और हमें डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या कि ये नॉलेज बिकेम ईगो बेस्ड, ठीक है। तो हम नॉलेज किस पर्पज से ईश्वर आए थे वो छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आइडल वर्शिप में बिलीव करने लगे, ठीक है। आइडल वर्शिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही डिवाइन सोल्स है जो अपने अपने प्लैनेट्स में, आप बोल सकते हैं, या अपने अपने लोक में एग्जिस्ट करते हैं। येस दे डू एग्जिस्ट, दे आर वेरी डिवाइन सोल्स। जब आप उनकी प्रतिमा को वर्शिप करते हैं, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद दैट सोल, सेंड लव वाइब्रेशंस टू दैट सोल। जब आप लव वाइब्रेशंस उन्हें भेजते हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स के रूप में
आपकी एनर्जी को एक्नॉलेज करते हैं. दे कैन मैनिफेस्ट इट फॉर यू, दे कैन मैनिफेस्ट सर्टेन थिंग्स फॉर यू. ठीक है, सो इफ़ यू प्रे कि भगवान मुझे ये दे दो या मेरा ऐसा कर दो, एंड इफ़ गॉड वॉन्ट्स ही कैन मैनिफेस्ट सर्टेन थिंग्स फॉर यू. एंड ऑन दैट मैनिफेस्टेशन एंड ब्लेसिंग्स पार्ट, हाउ दैट वर्क्स मे बी आई एक्सप्लेन सम टाइम एल्स. सो दिस इज़ गुड टू वर्शिप द गॉड्स आइडल. वो परमात्मा को, ईश्वर की प्रतिमा को वर्शिप करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कोई भी ईश्वर को, कोई भी परमात्मा को अपनाना है, ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टीचिंग द गॉड ब्रॉट टू अर्थ, रादर देन ओनली एंड ओनली प्रेइंग टू दिस, टू हिज इमेज. ठीक है, सो दिस वॉज द पर्पज ऑफ गॉड्स डिसेंडिंग ऑन अर्थ, टू ब्रिंग दिस नॉलेज टू अस. ओके, बहुत लोग बहुत ज़्यादा पैसों का चढ़ावा करते हैं या इसको बहुत ही ज़्यादा इलस्ट्रस बनाने की कोशिश करते हैं कि यू नो ईश्वर खुश हो जाएंगे, बट परमात्मा बहुत खुश है पहले से. ठीक है, ही वॉन्ट्स यू टू अंडरस्टैंड दिस नॉलेज. ओके, एंड देन जब बोलते हैं दैट यू नो यू शुड वर्शिप ऑल द गॉड्स हुएवर यू वॉन्ट, आपके जो भी गुरु जी हैं आप उनको सम्मान दीजिए, बिल्कुल रिस्पेक्ट दीजिए, प्रेम दीजिए, वर्शिप करिए, बट ऑलवेज हैव कनेक्शन टू द डिवाइन सोर्स, बिकॉज ऑल ऑफ द नॉलेज, ऑल ऑफ द कॉन्शियसनेस अवेलेबल ऑन दिस इन दिस यूनिवर्स is also in the source. It has all come from the source and the source contains all of this consciousness. So जो आपके शिव हैं, जो परम पिता परमेश्वर है, जो मैम भी बार बार बोलती है कि ऑल माइटी लॉर्ड के साथ कनेक्शन हमेशा एस्टेब्लिश करिए, ठीक है, दिस इज वॉट इज दैट सोर्स, बिकॉज इट ऑटोमेटिकली कंटेन्स ऑल द नॉलेज एंड द कॉन्शियसनेस हियर. ओके, थैंक यू.